हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, ये कल का वीडियो है जब मैंने संतोषी माता की पूजा की थी, और इसके बाद ये पूरा आज का वीडियो है। ये थोड़ी सी क्लिप ली थी कल मैंने, तो वो ही मैंने आगे ऐड कर दी है। और बस यहाँ पर आज ऋचा का पेपर था, तो बस मैं उससे पूछ रही थी कि क्या बना दूँ मीठे में आज। तो उसने कहा मुझे आटे का हलवा खाना है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर मैंने आटे को सेक कर घी में, और उसमें डाल दिया है पानी। आटे का हलवा बहुत टेस्टी लगता है, बस उसमें ज़्यादा घी पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने सेकने में जितना मुझे ज़रूरी लगा उतना घी डालकर मैंने आटा पहले सेक लिया था। और सेकने के बाद यहाँ पर मैं उसमें पानी डाल दूँगी और पूरे अच्छे से मिला दूँगी, जिससे गुठलियाँ टाइप सी ना बने। और क्या है, पहले मैं आटे में शक्कर मिलाकर पानी डालती हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसी मतलब गुठलियाँ नहीं बनती। लेकिन आज मैं जल्दीबाजी में भूल गई हूँ, मैंने शक्कर अभी डाली नहीं है। तो बस ये इस तरीके से हो रहा है, लेकिन उबलेगा तो सही हो जाएगा। और ये देखिए, पूरा अच्छे तरीके से मिला दिया है मैंने। अब इसमें मैं डाल दूँगी शक्कर, नहीं तो मैं हर बार क्या शक्कर पहले ही डाल देती हूँ तो अच्छा रहता है। तो इस बार मैं भूल गई जल्दीबाजी में। तो ये मैंने शक्कर डाल दी है, अब शक्कर को भी मैं मिला दूँगी इसमें। और ये हलवा गरम गरम ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ मैं, बहुत ही मतलब हम लोग सूजी का हलवा बनाते हैं रवे वाला, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से बनाओ तो। और हमारा बन गया है हलवा। अब इनको मैं कटोरियों में निकाल लूँगी, सब प्लेटों में दे दूँगी बच्चों को भी और ऋचा को। पहले मैं भूख लगाऊँगी लड्डू गोपाल को। और ये देखिए मैंने निकाल लिया, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी भी डाल दिया है, तो घी से बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। घी ऊपर से डालकर खाओ तो बहुत अच्छा लगता है, और मैंने घी में आटा सेका भी है, तो वैसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस यहाँ पर मैं कमरे में ले आई हूँ, तो बस खाना और हम सब चारों खाएंगे। गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ऋचा भी स्कूल के लिए रेडी हो गई है, ड्रेस वगैरह उसने पहन ली है। तो मैंने कि पहले हलवा खा लूँ, क्योंकि हलवा गरम है अभी, और ठंडा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर ऋचा यहाँ पर हलवा खा रही है पहले। और अब बस यहाँ पर मैंने हलवा खा लिया था, तो मैंने कि चोटी कर दूँ, क्योंकि ऋचा का टाइम भी हो गया है, उसको 9:45 पर निकलना है। और बस यहाँ पर हलवा भी खाती जा रही है, और मैं चोटी कर दूंगी उसकी। और कान्हा भी स्कूल गए थे, लेकिन स्कूल से कान्हा आ चुके हैं, क्योंकि कान्हा यहाँ का बहुत जल्दी स्कूल हो गया है, तो बस स्कूल जाकर कान्हा आ भी चुके हैं। और ये हो गई है चोटी प्रिया ऋचा की। और ये देखिए, जब कान्हा स्कूल जा रहा था, रिया छोड़ने जा रही थी उसको सुबह सुबह, तो मैंने सुबह की थोड़ी सी क्लिप ले ली थी उसकी। और इसके बाद फिर रिया और ऋचा चली गई थी स्कूल, तो इसके बाद फिर मैंने मोबाइल उठाया भी नहीं। और हम लोगों ने बनाई हैं आज दाल बाटी और बैंगन का भरता, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। लेकिन मैंने बनाने की रेसिपी नहीं डाली, क्योंकि मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, आप लोगों को पता है। तो बस यहाँ पर मेरी दाल बाटी भरता बनकर हो गया है तैयार, और अब हम लोग खाएँगे गर्म गर्म ही। यहाँ पर कान्हा हो गया है शुरू खाने के लिए,
उसको बहुत पसंद है भरता बाटी। और फ्रेंड्स ये शाम की है जब मैं गुड़ी परमा का दूध लगा रही थी, तो बस मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है और उसकी आवाज़ को बंद कर दिया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी देखिए इतना शोर रहा है, मैं दिखाती हूँ अभी। जाए लाल वाली है।